अटल जंक्शन का नाम सुना होगा आपने। अरे बताओ तो सुना नहीं उसने। तो मैंने उससे एक बात कही थी, जब मैंने उसके साथ दावत दी तो मैंने कहा तुम अटल दे, तो जब मरेगा तब मैं तुझे याद आऊंगा। बम्बई में आया था हमारा, बम्बई में यहाँ किसी होटल में ठहरा था मैं और अशरफ मर्चेंट, अपना जो मर गया था अब्दुल हमीद का बेटा था वो, सब हम गए थे मुलाकात की। मैं कहा जब तू मरेगा तो मैं याद आऊंगा तुझे। तो उससे मुझे क्यों, मैंने कहा मैं तुझे अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मेरी बात अगर मान ली तो मरते वक्त तुझे जन्नत में जाएगा, जब जन्नत में जाएगा तो फकीर याद आएगा हिंदुस्तान का। कभी हिंदुस्तान के फकीर ने एक बात कही थी और मैंने मानी, अल्लाह मुझे जन्नत में ले जा रहा है। और अगर नहीं मानी तो भी मैं याद आऊंगा। कह क्यों, मैंने कहा इससे मेरी बात नहीं मानी तो तुझे जहन्नम में जाएगा। तो तुझे पता चलेगा अगर हिंदुस्तान के फकीर के बात नहीं मानी तो मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि अंग्रेजी का तो जुमला अंग्रेजी तो जानती नहीं है कि लेट मी रिसर्च। मैं तुम्हारी बात को मैंने दिल से लिया है, मैं उससे तो मैं आप हजरात लंबा किस्सा है वो, तो मैं आप हजरात को कहता हूँ कि इसमें इखलास जरूर बराबर पढ़ोगे तो इंशाल्लाह जब मरोगे तो मैं याद आऊंगा। यानी कितनी बड़ी फजीलत की चीज थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी आए और सहाबी ने आकर कहा कि हजरत मुझे सूरह इखलास बहुत पसंद है, मुझे सूरह इखलास बहुत पसंद है। हाँ तो चल अल्लाह को भी तो पसंद है, अब क्या चाहिए। एक दरख्वास्त यह है कि रोजाना जन्नत में बंगले वाला साउथ अफ्रीका अपना अमरीका में एक डॉक्टर नहीं है, ये अहमदाबाद की है। वो हमारी शादी ने जब उससे बयान सुना तो 2013 से हमारा ये सब चल रहा है व्हाट्सएप पे, तो उससे मुझे फोन आया कि अबू जी मैंने 10 लाख मरतबा सूरह इखलास पढ़ा, 5 लाख आपको हदिया कर दिया, 5 लाख मैंने मेरे लिए रखा। लेकिन अबू जी एक सवाल करना चाहती हूँ, थोड़ी शर्म आती है। मैं कहती बेटा पूछो, शर्माने की बात नहीं, तो खैर की चीज है, आप पूछना चाहो पूछो। तो देखो अबू जी बहुत बंगले होंगे जन्नत में मेरे, इतना बंगले करेंगे क्या, वहां भाड़ा बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। डॉक्टर नहीं पूछ रही है रेंट आएगा कि नहीं आएगा, गुजराती को रेंट की फिक्र होती है, गुजराती और पंजाबी। तो मैंने कहा देख बेटा वहां भाड़ा भाड़ा तो नहीं आएगा, तो करेंगे क्या। मैंने कहा जब जन्नत में जाएंगे वहां जाकर इंशाल्लाह मशवरा कर लेंगे, जब जन्नत में जाएंगे वहां जाकर मशवरा कर लेंगे इंशाल्लाह। यानी फायदा ही फायदा है। जितनी फजीलतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इखलास की बताई है उतनी फजीलतें किसी और सूरत की हुजूर ने नहीं बताई। बात सहाबा से वो तो हर रकात में सूरह इखलास पढ़ते हैं। और मैं एक बात बताऊं, रात को अगर नींद ना आवे ना, आज एक करवट बदल रहा है, मैं कहता हूँ 2-4 बगिया बना ले जाएगी तेरे बगले में तैयार हो जाएगी। इसलिए सूरह इखलास 313 314 हो जावे, 115 हो जावे, 320 हो जावे, 400 हो जावे, 1000 हो जावे, बात की मुकद्दर 313 में इसलिए कहता हूँ कि बदर वालों की तादाद 313 है। ये 313 में अल्लाह ने करंट रखा है। और इतने फायदे मैंने देखे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नवा मस्जिद की बयान करता था बम्बई वालों को, वालों में नवा मस्जिद है बहुत एतराज सारा बयान होता था। मैं एक मरतबा बयान करके निकला, एक लड़की जो गुस्से में वहां खड़ी हुई और उसने कहा अबू जी मेरी उम्र 28 साल की होगी, कहीं से रिश्ता आता है बहुत परेशान। तो मैंने कहा बेटा मैं एक इलाज बताऊं तो तू करेगी, कोई नुस्खा बताऊं क्या, वैसे बताऊं अबू जी मैं जरूर करूंगी। तो मैंने उसको सोचने में 100 मरतबा पढ़वाया, अब 313 पर आया, क्योंकि भाई आप लोगों के प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए, जमीनों के भाव बढ़ गए, हमारे भी तो भाव बढ़ना चाहिए भाई। आपने जो है वो लिबर्टी वाले अभी आए थे मेरे पास, भाई कितना पढ़ते हो ये कम। मैंने कहा क्यों, लिबर्टी तुमने खरीदी थी 5 लाख रुपए, अरे कितने की है। हाँ तो मैंने कहा हमारा भाव ही बढ़ना चाहिए, 313 पढ़ो उसको। मैंने कहा बेटा तू 100 मरतबा रोजाना सूरह इखलास पढ़, ये मैंने उसको कहा। और मेरे पास तस्वीर थी उस वक्त में, मैं तस्वीर साथ में रखा करता था, तस्वीर उसे एक तस्वीर में हमेशा साथ रखता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि देख ये मेरी तस्वीर, इस तस्वीर का नाम है जानदार शानदार मालदार दीनदार, ये 4 नाम है इसके। ये तस्वीर, ये तस्वीर तुझे हदिया देता हूं, इस तस्वीर के ऊपर तू पढ़ती रहे। मैंने कही मेरी तस्वीर, ये 3 तस्वीर है, माल के अतबार से 3 नहीं है, मेरा हाथ लगा है इस पर, मैंने पढ़ा है बहुत कुछ पढ़ा है इसके ऊपर,
तो कीमत उसकी है, इससे ये तस्वीर तू ले जा, इसके ऊपर पढ़ती रहना और फिर इंशाल्लाह आइंदा साल मैं आऊंगा, मुझे रिपोर्ट दे। खैर वो तुम्हें तस्वीर ली, आंखों को लगाई और माशाल्लाह बहुत आ अबू जी जजाकल्ला। उसका जो जुमला था अबू जी का वक्त मुझे याद, अबू जी अबू जी अबू जी कल चली गई। दूसरे साल मैं नवा मस्जिद पहुंचा, बाहर निकला तो वही लड़की ऐसे तस्वीर लेकर खड़ी और बच्चा जो है उसके हाथ में। मैं समझ गया कि ये तस्वीर आदमी पहचानता है ना, अपने कार आदमी पहचान लेता है, मोटरसाइकिल पहचान लेता है, अपनी घड़ी पहचान लेता है। ये खड़े मैंने कहा बेटा क्या हुआ? ये कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके मस्जिद की बरकत से अल्लाह ताला ने मेरे निकाह भी करा दिया, बहुत अच्छा शोहर अल्लाह ने दिया और अबू जी बहुत पैसा भी अल्लाह ने। मैंने कहा देखिए पैसा अल्लाह ने दिया है तो कोई स्टॉप मत करना, स्टॉप करेगी तो स्टॉप हो जाएगा। खर्च करती रहे मदरसे में यतीमों पर बेवाओं पर तो खर्च करना। मैंने कहा अबू जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे लड़का भी दिया, इस लड़के को थोड़ा सा पढ़ के दम कर दो, दम भी किया मैंने। मैंने कहा अबू जी खुशखबरी सुनाऊं? मैंने कहा सुनाओ। उसका नाम था हलीमा, कि मेरे महल्ले की लड़की आती है और कहती है कि अरे हलीमा तू तो इतनी स्मार्ट नहीं है, तेरी शादी कैसे हो गई? मैंने कहा था कि तस्वीर जानदार शानदार मालदार दीनदार और मैं रोजाना पढ़ती हूँ। अबू जी जिसको मैंने ये वजीफा दिया पढ़ा अल्लाह ने सबकी शादियां करवाई, अल्लाह ने इतना करंट रखा है, अल्लाह दुआएं कबूल करेगा। बंगला तैयार करे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बेटा जन्नत के अंदर जो है बंगला बनाते जाने का, बंगला बनाते जा खुदा ना खाता असर का मैदान में अगर कहीं आगे पीछे कुछ हुआ तो अल्लाह को हम कह सकते हैं कि अल्लाह पाक मेरी प्रॉपर्टी तो यहाँ है, मेरे प्रॉपर्टी तो जन्नत ही बनेगी। अल्लाह कहेंगे जब आपको